कवर कर लिए हैं और आज का रहेगा हमारा 14वां सेट। 14 नंबर का जो सेट है वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, जेल इलेक्ट्रोलिसिस सॉरी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इस जो को यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज किया जाता है एक्चुअली कहाँ पर, ये एक्चुअली सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए के अंदर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर इसे हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डीएनए है उसको कट किया जाता है बाय द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, इसको क्या किया जाता है कट किया जाता है और उसे फ्रेगमेंट बनाया जाता है, ठीक है। और ये फ्रेगमेंट सेपरेट किए जाते हैं जिस टेक्निक के द्वारा, उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट हुक के द्वारा किस टाइम पर, 1665 के अंदर, ठीक है, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ जो ब्लड है वो कितना परसेंट होता है, मतलब लीटर में पूछा गया कितने लीटर पानी जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है जो एक एडल्ट बंदा है, मतलब जो आपका 30-35 साल के आसपास का, जो 30 ईयर्स ऑन एवरेज कह लीजिए उस एज में है, ठीक है। तो देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड एक तरीके की एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, ठीक है। दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, जो कंसिस्ट करती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर फ्लूइड होता है आपका, मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, और कई तरीके के एलिमेंट्स आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। तो जो टोटल ब्लड होगा बॉडी के अंदर उसमें से हाफ ब्लड होगा वो कैसा होगा, हाफ ऑफ द ब्लड जो होगा वो होगा आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल होगा आधा ब्लड, और हाफ ब्लड जो होगा वो होगा डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और कुछ थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इन्हीं के अंदर प्लेटलेट्स का, ठीक है। जब वो होता है ना आपका एक फीवर होता है, फीवर के अंदर जो है आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, ठीक है, तो ये वही वाली चीज़ है आपने सुनी होगी। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो कि जो प्लेटलेट्स हैं ये कंपोज होती हैं, मतलब ये इसे कहा जाता है कि सॉलिड पार्ट होती है ब्लड का, और अनदर हाफ जो है इसके अंदर वाटर होता है, सॉल्ट रहता है, प्रोटीन होता है। देखिए अगर जो हम ब्लड की बात करें ना, तो पूरे ब्लड के अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स, आपका वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है पूरे ब्लड में, कई सारी चीज़ें पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जो जो फ्लूइड पार्ट होता है, यहाँ पर हमने बात करी थी फ्लूइड होता है इसके अंदर, जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का उसे कहते हैं प्लाज्मा, व्हिच इज दैट इज नोन एज प्लाज्मा, ठीक है। और जो टोटल वॉल्यूम की हम बात करें, एक स्टैंडर्ड माने कि भाई जो एक अडल्ट है उसका वेट कितना होगा, 70 kg के आसपास उसका वेट होगा, और जब 70 kg के वेट के व्यक्ति का जो ब्लड है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 liter होता है, 5 से 6 liter के आसपास उसके अंदर ब्लड होता है। मतलब अगर जो आपका वेट 70 kg है तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 liter का आसपास का जो ब्लड है वो आपके अंदर होगा बॉडी में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रेजेंट इन, नॉट प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन नहीं है वो बताना है आपको इनमें से। तो अगर जो हम बात करें प्लांट हार्मोन की, तो प्लांट हार्मोन जो है वो 5 categories के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 तरीके के प्लांट हार्मोन देखने को मिलते हैं। पहला है आपका एब्सिसिस एसिड, ठीक है, एब्सिसिस एसिड कहलाता है पहला। दूसरा है इथाइलिन, थर्ड इज ऑक्सिन, फोर्थ इज गिबरलिन, ठीक है, और पांचवा है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। तो ये 5 टाइप के जो प्लांट हार्मोन आपको देखने को मिलते हैं। तो इनमें से पूछा कि कौन सा नहीं है, देखिए कौन सा नहीं है, साइटोसिन है, गिबरलिन है, इथाइलिन है, ऑरिन नहीं है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा आपका, नहीं सॉरी 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 ऑरिन भी है, ऑरिन भी तो था ना आपका, ऑक्सिन है, सॉरी नॉट ऑरिन, दिस इज ऑक्सिन, से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं जस्ट अ मिनट।
ठीक है, दिस इज नॉट ऑरिन, दिस इज ऑक्सिन, एक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सिन भी है, ऑक्सिन भी हमने बात की, तो चारों क्या है आपके प्लांट हार्मोन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, नॉट पूछा है, नन ऑफ द अबव वाला पार्ट है ना, ऑप्शन नंबर ई ऑक्सिन है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, और बाकी ये पांचों के पांचों क्या है आपके प्लांट हार्मोन है, ठीक है। अब ये हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ प्रोमोटर। देखिए ये चारों हार्मोन्स में से कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं कि जो ग्रोथ है उसको प्रोमोट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। और कुछ हार्मोन्स जो है इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के अंदर, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, अगर जो हम बात करें से शॉर्ट में लिखें अगर, तो प्रोमोटर्स जो होते हैं, प्रोमोटर्स वो कौन कौन से होते हैं, प्रोमोटर्स जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं ऑक्सिन, दूसरा साइटोसिन और थर्ड गिबरेलिन। तो ये तीन हार्मोन्स जो हैं ये आपके प्रोमोटर्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के अंदर। और इनहिबिटर्स कौन से बचे फिर, इनहिबिटर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके एब्सिसिक एसिड और सेकेंडली इथाइलिन, ठीक है। ये दो होते हैं बेसिकली इनहिबिटर्स, और तीन होते हैं आपके प्रोमोटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में पूछा गया था प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो वो जो मतलब फूड बनाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट से, वो कौन सा टिश्यू है वो होता है, उसे कहते हैं फोलियम। ऑप्शन बी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, फोलियम। फोलियम टिश्यू जो है ये वैसा टिश्यू है जो आपका प्लांट के अंदर कंडक्ट करता है फूड बनाने का काम थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट से लीव्स के अंदर, ठीक है। और फोलियम के अंदर जो आपके कई सारी चीज़ें आपको स्पेशलाइज्ड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, बेसिकली का जो मतलब है स्पेशलाइज्ड सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका सीव ट्यूब्स हो गया, सीव ट्यूब, ठीक है, कंपेनियन सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, फोलियम फाइबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंड फोलियन पैरेन्काइमा सेल मिलता है, पैरेन्काइमा सेल्स जो है ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी सेल, प्राइमरी फोलियम होता है वो फॉर्म करता है एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट एंड द सूट सिस्टम, या सूट टिप आपका जो फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोलियम। द स्वीट टेस्ट इन फ्रूट, जो फल होते हैं आपके, फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर जो मिठास होती है, जो मीठापन होता है, वो किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है। तो देखिए ये जो मीठापन होता है ये एक्चुअली दो चीज़ों की वजह से होता है, दो टाइप की शुगर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है फ्रूट्स के अंदर, एक होती है आपकी फ्रक्टोज, दूसरी और साथ में होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। देखिए फ्रूट्स खाने से एनर्जी भी मिलती है और आपको मिठास भी मिलती है ना, तो ये दो टाइप की शुगर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। बट मोस्टली फ्रूट्स के अंदर जो है आधा ग्लूकोज होता है, आधा हाफ, मतलब अगर जो वन क्वांटिटी है तो उसके अंदर आधी फ्रक्टोज होगी आधी ग्लूकोज होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ऑप्शन हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म अनोस्मिया और इजूसिया वाज सीन इन समटाइम्स इन न्यूज एंड दे आर द कंडीशंस ऑफ, देखिए अनोस्मिया जो है ये कंडीशन होती है जहाँ पर एक तरीके की पार्शियली कह लीजिए, पार्शियली या फिर फुल्ली लॉस ऑफ सेंस होता है, मतलब लॉस ऑफ स्मेलिंग सेंस, मतलब जब हम स्मेल करते हैं ना उसकी शक्ति हमारी खत्म हो जाती है कुछ आधी या फिर कम्प्लीटली, मतलब जल्दी आप इसको फील कर सकते हैं, जब आपको जुकाम होता है तो आपको स्मेल बहुत कम आती है, मतलब बहुत रेयरली होता है कि भाई आपको स्मेल आए, जब आप हेल्दी होते हैं तो कोई सी भी एक अजीब सी स्मेल हो, रोटन स्मेल हो, ये गंदी स्मेल हो, अच्छी स्मेल हो, जो भी है, बट यू कैन फील इट। तो ये वही कंडीशन है जब पार्शियली या फुल्ली आप स्मेलिंग को फील करना बंद कर देते हैं बॉडी, ठीक है, आप इन द सेंस की आपकी बॉडी, ठीक है। और एजुशिया जो है, एजुशिया के अंदर जो है इस कंडीशन के अंदर आप जो टेस्ट है, मतलब स्वाद लेना, जो आपकी जीभ है, मतलब जीभ पर कई बार होता है जब आपको फियर होता है स्पेशली, तब आप कोई भी खाना खाते हैं तो फूड देते हैं तो जीभ के थ्रू जब जाता है वो, तो आपको वो फूड मतलब बेस्वाद लगता है ना, वो
मीठा लगता है, ना खट्टा लगता है, ना कड़वा लगता है, तो वो जो एक टेस्ट की फीलिंग होती है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ना। यहाँ पर लॉस ऑफ टेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसे कहते हैं अजुशिया, और अनोस्मिया जो है वो आपका स्मेलिंग का जो लॉस है उसके लिए बात करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। करेक्ट आंसर लॉस ऑफ स्मेल। देखिए पहले आप देखिए लॉस ऑफ स्मेल इसलिए लिया है हमने पहले क्योंकि पहले था अनुसिया और उसके साथ में है एजुशिया, तो भाई उसी ऑर्डर में आप लेंगे ना, भाई यहाँ पर भी टेस्ट ऑफ स्मेल है, यहाँ पर भी टेस्ट ऑफ स्मेल है, बट जो ऑर्डर में क्वेश्चन में पूछा गया है उसी ऑर्डर में आंसर आपको लेना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। करेक्ट आंसर तो ये भी है बट द ऑर्डर इज चेंज हेयर, यू हैव टू टेक फॉर द ऑर्डर, ऑर्डर को कंसिडर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेसेस एलिमेंट। इंसुलिन के अंदर कौन से एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं? देखिए इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक तरीके का क्या होता है, हार्मोन होता है, दिस इज काइंड ऑफ हार्मोन, ठीक है, जो बनता है कहाँ पर, पेनक्रियास के अंदर बनता है, और जो अलाउ करता है बॉडी को कि वो शुगर को यूज़ कर सके, जो शुगर है बॉडी के अंदर उसको इस्तेमाल कर सके, शुगर इन द सेंस की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लूकोज की, ठीक है, और शुगर को इस्तेमाल कर सके कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से उसे इस्तेमाल करके बॉडी के अंदर जो आपने फूड कंज्यूम किया है, जो फूड कंज्यूम किया है उससे ये सब मिलता है, और बेसिकली उससे क्या फिर आपको एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी स्टोर्ड होती है ग्लूकोज के फॉर्म में जिसे आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इंसुलिन जो है वो हेल्प करता है बॉडी शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, मतलब अगर जो जब वो बढ़ जाता है या लो हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है इंसुलिन के अंदर वो होता है आपका जिंक, ठीक है। यही पूछा गया था इसमें कि कौन सा एलिमेंट आपको देखने को मिलता है इंसुलिन के अंदर, दैट इज जिंक। आपने इंसुलिन वर्ड ना यूज देखा होगा जब जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या सॉरी नॉट ब्लड प्रेशर, हाई शुगर होता है, हाईली डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो लोग, उनको जो है इंसुलिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज जो मेंटेन करता है, बेसिकली हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं जो मेंटेन करता है उनका ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिंक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप, ठीक है, मतलब एक ऑर्गन पाइप इन द सेंस कि आप कह लीजिए कि एक सिंपल पाइप है जो उसमें से क्या उसके ऊपर प्रभाव रहता है, ठीक है। मतलब सिंपली पूछा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा पाइप में। अब हम बात करें यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की वजह से क्या क्या होता है। देखिए जब आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन स्पीड ऑफ, चेंज इन टेम्परेचर होगा तो चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड, चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो रिलेशंस बनते हैं तो बनते हैं, देखिए वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये रिलेशन होता है आपका। और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेलोसिटी के, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी ये वेलोसिटी टेम्परेचर अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी भी आपका वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आप क्या रिजल्टेंट ले सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, टेम्परेचर के, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के, क्लियर। तो देखिए जैसे कि आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो टेम्परेचर बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी घटेगी, भाई देखिए डायरेक्टली हो गया ना, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, दूसरी घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। तो जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या बढ़ेगी, आपकी यहाँ पर होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड पाइप विल ऑल्सो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बट स्पीड में चेंज आपको देखने को मिलेगा, चेंज टेम्परेचर में चेंज है तो उसकी स्पीड में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज बाय टू टाइम्स, ओके, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस अगर जो इंक्रीज कर दिया जाता है, दो गुना कर दिया जाता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट ए है दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, इनिशियली इसका जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था दैट इज एक्स, अगर जो इसी
डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, मतलब अब जो सेकेंड कंडीशन में रहा ये दोनों ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया 2x हो गया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी, अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, अब यहाँ पर ये पूछा गया है। देखिए एक फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला है जिसे आप जानते ही होंगे, जिसे कहते हैं जी इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट जी, दैट्स एफ फोर्स है ना, एफ की बात कर रहे हैं, एफ होगा एफ इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा फिजिक्स में, एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका जी, ठीक है, आर जो है डिस्टेंस है इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फोर्स जो है, फोर्स जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वन अपॉन में है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस है, दैट इज इसे आप आर ले लीजिए, एक्स की जगह आर ले लीजिए, यहाँ पर 2r हो गया है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और डिस्टेंस के भी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस फॉर्मूले के बीच में अकॉर्डिंग है ना। तो जब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा, मतलब अब इसको और सिंपल समझने के लिए इसको थोड़ा सा हम रेड कलर से लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर था 2 मीटर का डिस्टेंस था अप्रोक्सीमेटली, डबल हो गया यहाँ पर 4 मीटर कर दिया गया, यही बात हुई थी, ठीक। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई सिंपली 2 से लीजिए, 1 ले लिए, 1 यहाँ से था, 2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है तो क्या होगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स है ना। अब अगर जिसको हम सिंपली बात करें तो एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, आर का मतलब पहले था 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो एफ कितना हो गया, सिंपली एफ आपका आएगा 1। जब एफ आपका आर जो है 2 हो गया, आर की वैल्यू 2 करेंगे तो एफ क्या होगा, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 हो गया आपका। तो अब यहां पर क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज। भाई देखो 1 अपॉन में है ना, कोई चीज 1 अपॉन में होगी तो उसको जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, भाई इसका आएगा 0.25, मतलब 0.25 और 1 इन दोनों के बीच में जो एक रेशियो का डिफरेंस है वो है 4 गुना का। भाई 0.25 0.25 0.25 को जब 4 बार आप ऐड करेंगे तब बनेगा 1, तो ये 4 गुने का अंतर आ जाता है, दैट मीन्स 4 टाइम्स क्या हो जाता है आपका जी की वैल्यू, या आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ की वैल्यू, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। समझ में आ गई चीज, कहानी इतनी सारी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से रिलेटेड एक छोटी सी वो समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट बेसिकली, कि आपको समझ में आता है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आई होप सो क्लियर हो गई होगी आपको, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन इज एन आर नॉट करेक्ट पूछा गया कि कौन सी करेक्ट नहीं है न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो न्यूट्रॉन जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके पास कोई नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस नहीं होते है ना, इसके अंदर क्या है, नेट नो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, मतलब चार्जेस इसके पास नहीं होते, ये न्यूट्रल कंडीशन में होता है न्यूट्रॉन आपका, और इसका जो मास है वो प्रोटॉन के सिमिलर होता है, मतलब एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो मास है वो प्रोटॉन के सिमिलर होता है, प्रोटॉन जैसा ऑलमोस्ट होता है इसका मास, ठीक है। न्यूट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन मास, ये स्टेटमेंट आपकी सही है, आपको गलत ढूंढनी है भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव देखिए, न्यूट्रॉन पॉजिटिव, 0 चार्जेस, भाई नो चार्जेस, हमने बात करी अभी, कोई चार्जेस नहीं होते। और फिर साथ में न्यूट्रॉन जो है कॉम्प्रोमाइजेस वन, एक तरीके से कह लीजिए 2/3 ऑफ चार्जेस आपको क्वार्क के फॉर्म में रखता है, अप क्वार्क में, देखिए अप क्वार्क में, अप क्वार्क नॉट अ क्वार्क, हाँ क्वार्क ही बोलेंगे इसे, क्वार्क के फॉर्म में चार्जेस रखता है 2/3, सॉरी 2/3 ऑफ चार्जेस जो है वो अप क्वार्क में रखता है, और डाउन क्वार्क में, डाउन में ये -1/3 चार्जेस आपको कंटेन करता है, जिसकी वजह से नेट चार्जेस जो है वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। दिस वन,
अब न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर जो ऑलमोस्ट ऑल मतलब ये न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट ऑल एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा सभी के अंदर जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियाई एक्सेप्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि भाई हाइड्रोजन तो छोटी छोटा ही है, उसके अंदर खुद ही एक आइटम रहता है आपका। न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई, नहीं न्यूट्रॉन जो है रिवॉल्व नहीं करता उसके अराउंड, ठीक है, रिवोल्यूशन इसका यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, नॉट ढूंढना था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है इसको डिस्कवर किया था किसने, चैडविक ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है चैडविक, चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था 1930s के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई के आसपास जो है वो घूमते नहीं, रिवोल्यूशन नहीं होता इनका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाइज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। भाई देखिए लाइट जो है वो ट्रेवल करती है ज़्यादा तेज साउंड के कंपेरेटिव, कौन सी लाइट मतलब जो पॉइंट है इसमें से ए बी सी डी में से कौन सी चीज़ जो है वो उस चीज़ को साबित करता है। अब यहाँ पर जो साबित करता है ना वो होता है थंडर स्टॉर्म, जो बिजली कड़कती है ना, आपने देखी होगी बिजली जब कड़कती है उस टाइप, जब थंडर स्टॉर्म का टाइम होता है ना जो लाइट होती है लाइटनिंग होती है थंडर होता है बेसिकली, लाइटनिंग और थंडर मतलब एक थंडर के अंदर से जब गरजता है, देखिए थंडर स्टॉर्म मतलब लाइटनिंग हुई बिजली चमकी और बिजली चमक के साथ जो एक आवाज़ आती है ना गड़गड़ाने की, है ना, एक साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो दोनों चीज़ें एक साथ होती है। बट सबसे पहले आप जो चीज़ देखते हैं वो क्या देखते हैं, लाइट को देखते हैं बिफोर द हियरिंग ऑफ जो साउंड, मतलब जब बिजली कड़क रही है तो जो लाइट है उजाला है वो आपको पहले दिखता है और जो साउंड आ रही है उससे वो आपको कुछ टाइम के बाद दिखती है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत देर बाद बट जस्ट ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स, मतलब 4 से 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, लिटिल स्लोवर देन आपका साउंड रहती है, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें कि भाई देखिए साउंड को आने में, देखिए जो लाइट है आपकी यहाँ पे ट्रेवल कर रही है थंडरस्टॉर्म के अंदर, वो मिलियंस ऑफ मिलियन टाइम्स बेसिकली मिलियन टाइम्स ऑफ मिलियन टाइम्स फास्टर हो जाती है यहाँ पर किसे, साउंड से, ठीक है, इंस्टेंटली। जो साउंड ऑन द अदर हैंड जो 5 सेकेंड ट्रेवल करता है, साउंड जो है बेसिकली साउंड की हम बात करें अगर, जो साउंड जो है आपका ट्रेवल करता है वो 5 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर जो है 1 माइल का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है, 1 माइल मतलब 1.8 किलोमीटर के आसपास के जो है डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो साउंड है वो थोड़ा सा देर में सुनाई देता है और जो लाइट है वो आपको इंस्टेंटली दिखाई देती है, उससे पहले दिखाई देती है थंडरस्टॉर्म के अंदर, ठीक है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो वेरीफाई करता है कि लाइट ट्रैवल करती है फास्टर देन द साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के रेडियो एक्टिव डिके की वजह से कौन सी वेव्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं यह पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं गामा रेज, ठीक है। तो गामा रेज जो है ये प्रोड्यूस होती हैं रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है गामा रेज की वो होती है लेस देन 10^-3 नैनोमीटर, ठीक है। और जो यहाँ पर दिया हुआ है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है मोर देन 0.1 मीटर के आसपास रहती है और ये रैपिड एक्सेलरेशन के थ्रू या डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको देखने को मिलती है रेडियो वेव्स। और एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है ये होती है 1 नैनोमीटर nm, ठीक है, नैनोमीटर टू 10^-3 नैनोमीटर। और ये एक्सरे ट्यूब या इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर के थ्रू जो है बेसिकली प्रोड्यूस की जाती है। UV रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी 400 नैनोमीटर to 1 नैनोमीटर, ठीक है, के आसपास आपको देखने को मिलती है। और ये इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर आपको देखने को मिलती है जिसमें वन एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल तक में ये आपको चेंज होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, गामा रेज आपकी प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वट नंबर मस्ट बी एडेड टू डिग्री सेल्सियस टू चेंज इट इन केल्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है 273.15, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे कहाँ पर,
डिग्री सेल्सियस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा केल्विन में, ठीक है। मतलब आपको आपका टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस है, इस 37 में आप 273.15 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जो भी टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा आपको केल्विन में, ठीक है, केल्विन में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू है वो 273.15। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड चाहिए हमें चेंज करना है 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इस चीज को क्या कहते हैं। बेसिकली एक डेफिनेशन पूछी गई है यहाँ पर, तो देखिए 1 kg, 1 kg ऑफ सॉलिड को जब आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, चेंज होगा वो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, है ना, तो उस चीज को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पर है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसके अंदर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ, सेम डेफिनेशन में चल रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, लिक्विड को चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर 1 kg ऑफ लिक्विड, सेम 1 kg ऑफ लिक्विड को चेंज कर रहे हैं किसमें, गैस के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सब चीजें सेम है और सारी डेफिनेशन सारी सेम है, बट चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड था, यहाँ पर लिक्विड टू गैस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है और मेल्टिंग पॉइंट सेम है, तो उस चीज को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता लगी गया है सॉलिड टू लिक्विड वाला था, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, बॉइलिंग पॉइंट तो अलग हो गया, सब्लिमेशन अलग हो गया, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, ओके। एक इफेक्ट का नाम सुना होगा आपने जिसे कहा जाता था टिंडल इफेक्ट, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि एक बीम ऑफ लाइट होती है, बेसिकली अगर हम बात करें कि टिंडल इफेक्ट या टिंडल फिनोमेना जो है इसके अंदर होता है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर्ड होती है एक मीडियम के अंदर से। मान लीजिए सिंपली आप समझ लीजिए कि भाई एक आपकी ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने रखा है प्योर वाटर, दैट इज प्योर वाटर यहाँ पे भरा हुआ है आपने इस कंटेनर में। सेकेंड कंटेनर है आपका यहाँ पर, इस कंटेनर के अंदर रखा है आपने कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन आपने रखा है, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, ये प्योर वाटर है इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं। अब जो लाइट है यहाँ से, एक अपने लाइट पास की यहाँ से लाइट जा रही है, लाइट की बीम जा रही है, लाइट की बीम जाएगी यहाँ से ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट चली जाती है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डेविएशन आता है भाई, मीडियम चेंज हो रहा है ना, एयर टू वाटर एंड फिर एयर, थोड़ा सा डेविएशन आएगा आपका, रिफ्रैक्शन आएगा। उसके बाद जब यहाँ पर जाती है लाइट, तो यहाँ पर आने के बाद इस लाइट के अंदर क्या होता है, ये लाइट जो है आपकी चेंज हो जाती है, मतलब ये और ज़्यादा फैलाव या इसमें स्कैटरिंग आपको देखने को मिलती है, या फिर आप इसे कह लीजिए कि बीम ऑफ लाइट जो थी वो फैल जाती है चारों तरफ, ये फैलती है बिकॉज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज जो भी उस सॉल्यूशन के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब देखो अगर जो आपका सिंपल वाटर होता ना, तो ये बीम की तरह आपके आगे निकल जाती, बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, ये जो लाइट है यहाँ पर हमने एंटर की वो क्या हो गई, स्कैटर हो गई, मतलब फैल गई है चारों तरफ से, होता है ना जैसे टॉर्च की लाइट होती है थोड़ी दूर तक, मतलब एक होता है ना उसके अंदर बीम कि आप एक पॉइंट पे फोकस रहेगी बीम, और एक उसको जब मूव करते हैं थोड़ा सा आगे से, रोलिंग सिस्टम होता है तो जो मूव कराते हैं तो लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, फैलाव टाइप की, ऐसा लगता है ना कि फैल गई है पूरे एरिया के अंदर, उस तरीके का यहाँ पर फैलाव देखने को मिलता है। इस इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। और इसके कुछ और एग्जांपल की हम बात करें, जैसे स्मोक या डस्ट अगर जो रूम के अंदर है तो उसकी वजह से भी लाइट जो विंडो से आएगी ना, वो जैसे जब हाँ सुबह सुबह के टाइम जब विंडो से लाइट आती है ना, खिड़की के तरफ, खिड़की से या डोर से जहाँ पर भी आप रहते हैं, कहीं फील किया होगा आपने, जो हल्की हल्की लाइट आती है मॉर्निंग के टाइम पर स्पेशली, तो उस लाइट के अंदर आपने देखा होगा कि डस्ट पार्टिकल सबको विजिबल होते हैं कि भाई धूल के कण जो है वो हवा में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं। जनरली आपको वो नहीं दिखते हैं, बट उस लाइट की वजह से आपको देखते हैं, वो आपके है क्या है, वो फेनोमेना कहलाता है आपके टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वहाँ पर आप इजीली फील कर सकते हैं, ठीक है। और इस फेनोमेना को डिस्कवर किया था, बताया था इसने, जॉन टिंडल ने, जॉन टिंडल, ठीक है, टिंडल ने कब बनाया, बताया था इसे
19th सेंचुरी के आसपास में इसे बताया था, और ये के ब्रिटिश फिजिस्ट थे, मतलब भौतिक वैज्ञानिक थे ब्रिटिश के, ब्रिटिश सरकार के अंदर 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जो ड्रग्स को सेपरेट करना है, ड्रग्स का मतलब ठीक है, ये ड्रग्स आपका ड्रग्स वो नहीं है, हीरोइन चरस गांजा ये वाला ड्रग्स नहीं है, दैट इज द ड्रग विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, मतलब जो आप बीमार हैं किसी चीज़ से, बीमारी से ग्रसित है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए जिस ट्रीटमेंट की जरूरत है बॉडी को, दवाई जो आप लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड करना है हमें, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने जो क्रोमेटोग्राफी है इसके बारे में जानते ही होंगे, इससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन और भी कर चुके हैं शायद पहले या किसी और वीडियो में। तो जो क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है यहाँ पर, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो भाई ब्लड ड्रग्स जो ब्लड से ड्रग्स को अलग करना है, भाई सेपरेट करना है ना, तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है। और अगर जो हम एप्लीकेशन की बात करें तो इस मेथड को आप जो कलर डाई है, कलर्ड डाइज ठीक है, उनके अंदर भी यूज करते हैं कलर को सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर के अंदर भी यूज करते हैं, ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज। अब जैसे एक है एलिमेंट आपका कैल्शियम, कैल्शियम ठीक है, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 20। दूसरा है आपका एर्गन, आर्गन ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट से, दो डिफरेंट एलिमेंट से हमने बात करी, उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, बट उनके क्या है, मास नंबर सेम है। अब इन दोनों के जो मास नंबर्स हैं, मास नंबर ठीक है, वो कितना है, मास नंबर है इन दोनों का 40, बोथ द एलिमेंट्स हैव द सेम मास नंबर, दैट इज 40। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, इस टाइप के एलिमेंट्स को कहा जाता है आइसोबार। ठीक है, आइसोबार, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, समझ गए, एग्जांपल से आपको ये चीज बहुत ज्यादा आसानी से आई होप सो क्लियर हो गई होगी कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या था आइसोबार में। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर इस तरीके से, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंस है बट मास नंबर इस तरीके से सेम है दोनों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे इस प्रैक्टिस सेट के, प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक 14 चल रहा था हमारा, है ना, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए, इवन बीपीएससी और प्लस जो बी अदर एग्जाम आप दे रहे हैं उन सभी के एग्जाम के लिए। देखिए जीएस जो है, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सब हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दीज आर एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल ऑफ द एग्जाम्स वेयर द जीएस इज कमिंग। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।